मेरठ में पैसे के लेन देन को लेकर बवाल हुआ है आपस में, दो पक्ष भिड़े। एक पक्ष पर पथराव का आरोप, वहीं घर पर पथराव करने का आरोप है, साथ ही फायरिंग की घटना से हड़कंप है। मामले की जांच में पुलिस जुटी है, सूचना से हरकत में आई पुलिस। मेरठ से बड़ी खबर, जहां फायरिंग की घटना से हड़कंप। मेरठ में पैसे के लेन देन को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के लोगों पर फायरिंग कर दी और जान से मारने की कोशिश की। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, पुलिस अब उसी वीडियो को आधार बनाकर आगे की कार्रवाई में जुटी है। तो यह फायरिंग का वीडियो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, किस तरह से दो पक्ष आपस में भिड़ गए और पैसों के लेन देन को लेकर यह दो पक्ष आमने सामने आए, जिसमें फायरिंग की भी बात सामने आई है और पत्थरबाजी की भी बात सामने आई, जिसके बाद इसी वीडियो के आधार पर पुलिस अब आगे की जांच में जुट गई है। दो गुटों में जबरदस्त झड़प, दोनों तरफ से जमकर बवाल, फायरिंग से इलाके में सनसनी। ये तस्वीरें मेरठ के कोतवाली इलाके की है, जो गुटों के बीच झगड़े में रणभूमि बना हुआ है। फर्श पर बुलेट सेल, टूटी हुई कुर्सियां और भारी पुलिस बल इस झगड़े की गंभीरता को साफ बयान कर रहा। इन दोनों गुटों के बीच रुपए के लेन देन को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते इतना आक्रामक हो गया कि दोनों गुट एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। इलाके में एक घर की छत से कैद हुई इन तस्वीरों को गौर से देखिए। एक गुट के तकरीबन दर्जन भर लोग हाथों में लाठी डंडे और पत्थर लिए दूसरे गुट के लोगों के घर पहुंच गए। इसके बाद जमकर पत्थरबाजी शुरू हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि एक शख्स ने फायरिंग कर दी। इस वारदात के लिए दोनों गुट एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। गुंडागर्दी की हद ये देखो भाई साहब, मोहल्ले में मेरे अलग से वो करवाना इंटरव्यू, मतलब अपना वो, अगर मोहल्ले का एक आदमी भी इनसे खुश हो। देखना रास्ते तक लोगों के बंद कर रखे हैं इन्होंने, ये पत्थर जमीन सरकारी जमीन घेर ली, वो घेर लिया, ये रास्ते लोगों के, मतलब गरीब आदमी का तो जीना आराम कर रखा है। हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस फौरन मौके पर पहुंची। हालांकि इस वारदात में कोई जनहानि नहीं, लेकिन लाठी डंडे और पत्थरबाजी में कुछ लोग घायल हो गए, जिनका इलाज जारी है। फिलहाल पुलिस ने हालात काबू में कर लिया। अब पुलिस वीडियो फुटेज और दूसरे सबूतों के सहारे आरोपियों की तलाश में जुटी है।